अगली खबर कांग्रेस के विधायकों को लेकर है, जहां मध्य प्रदेश के दो कांग्रेस विधायकों पर ट्रेन में यात्रा करते समय एक महिला से छेड़खानी करने का आरोप लगा है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी इसे कांग्रेस का चरित्र बताते हुए हमलावर है। मामले ने सियासी रंग लिया तो अब ट्रेन में महिला के साथ छेड़खानी के आरोपी विधायकों की मामले पर प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस विधायक सुनील सराफ ने अपने खिलाफ लगे छेड़खानी के आरोप को साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से साजिश है। जब देख लिया कि दोनों विधायक कांग्रेस के हैं तो रगड़ दो। ट्रेन की बर्थ को लेकर विवाद था तो चरित्र पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। कांग्रेस विधायक सुनील ने कहा है कि बहन अगर ऐसा कर रही है तो ये पाप है। हम हमेशा सफर करते हैं। उन्होंने कहा कि हम विधायक हैं और 50 साल की उम्र हो गई है, अब यह करेंगे। सुनील सराफ ने कहा कि कटनी से ट्रेन में सवार हुआ, 200 किलोमीटर का सफर तय किया था कि भूख लग गई। उन्होंने कहा कि विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा मिल गए। महिला ने कहा कि लाइट मत जलाइएगा, बच्चा है तो हमने छोटी वाली लाइट के प्रकाश में ही खाना खाया। कांग्रेस विधायक सुनील सराफ ने कहा कि स्टाफ से भी पूछा जा सकता है, दरवाजा बार बार टकरा रहा था क्योंकि उसमें क्लिप नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस वजह से बच्चा बार बार जग जा रहा था। सुनील सराफ ने कहा कि विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने सिर्फ इतना पूछा कि आपकी बर्थ कौन सी है, क्योंकि वह इनकी बर्थ पर लेटी हुई थी, क्या यह अपराध है। उन्होंने कहा कि महिला के साथ 6 महीने का बच्चा था। जब पुलिस आई तब हमने उनसे कहा कि बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कसम खाकर बोल दे कि हमने छेड़खानी की है। कांग्रेस विधायक सुनील सराफ ने कहा कि महिला की बर्थ चेंज हो गई तो वह चली गई। सागर में पुलिस आई, उन्होंने कहा कि सौगंध खाकर बोल रहा हूँ कि हमने महिला का चेहरा तक नहीं देखा, अंधेरा था। विधायक सुनील ने कहा कि साजिश की बू इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि FIR में मेरा विधानसभा क्षेत्र और मेरी उम्र तक लिखी है। आप कैसे जानती हो कि मेरी उम्र क्या है। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है, मैं तो कहता हूं कि अब पुरुष को सुरक्षा की जरूरत है, पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। सिद्धार्थ कुशवाहा ने भी सफाई दी है। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा कि मेरे साथी मेरे दोस्त जानते हैं कि मैंने कई महीने से खाना पीना सब बंद कर रखा है, मैंने तो उन्हें देखा तक नहीं सहा, छूने की तो बात ही छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारा रिकॉर्ड है कि ऐसा कुछ कभी नहीं किया, घर परिवार दोस्त यार सबसे पूछ लीजिए। सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा कि मैंने तो अपनी सीट उन्हें दे दी थी, हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है। सर ये कांग्रेस के विधायक की घटना भी सामने आई है, देखिए ये बहुत दुर्भाग्यजनक और ऐसी घटना है कि इसमें किसी को माफ नहीं किया जा सकता। मैं इस घटना की कड़ी आलोचना करता हूं। एक बहन के साथ शराब के नशे में धुत होकर के कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार की घटना करते हैं, कांग्रेस इसका जवाब दे। मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं, बेटी हूं तो लड़ सकती हूं, वो बेटी थी जो इस प्रकार के दुराचारी आपके विधायक से लड़ी ट्रेन के अंदर और उसके बाद उसने कंप्लेंट जाकर के की है। प्रियंका गांधी जी जवाब दें जरा, इस पर क्या कार्रवाई करना चाहती हैं वो, कि आपके कांग्रेस के विधायक ने जिस प्रकार की घटना की है, प्रियंका गांधी को देश पूछना चाहता है। मैंने तो कहा था ये कांग्रेस का चरित्र ही है, भाजपा में उनका मूल चरित्र है इसी प्रकार से काम करना। ये दुर्भाग्यजनक है, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उस बहन को न्याय मिलेगा, हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। भाजपा में एक पद एक व्यक्ति पर निर्णय हुआ, क्या कहेंगे क्या। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से अपना काम करती है इसी प्रकार से, तो इसलिए कोई ऐसा निर्णय हुआ है ऐसा नहीं है, ये तो रूटीन हमारी पद्धति है, पद्धति के आधार पर हम काम करते हैं। क्या जिला अध्यक्ष विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, क्या जिला अध्यक्ष विधानसभा का चुनाव।